आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि सीएससी से पैन कार्ड कैसे बनाया जाता है, इसका क्या प्रोसेस है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीएससी से पैन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको सीएससी लॉगिन कर लेना है। यानी यहाँ सर्च बार में आएंगे, यहाँ आप टाइप करेंगे पैन, उसके बाद ये पैन कार्ड सर्विसेज, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे। ये मर्चेंट का डैशबोर्ड आ जाएगा, यहाँ आई एग्री करेंगे और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ वैली यूज़र आ जाएगा, यहाँ क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपका पूरा यूटीआई का डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा, आप यहीं से कोई भी काम कर सकते हैं। पैन कार्ड में करेक्शन करना चाहते हैं तो यहीं से कर सकते हैं, अप्लाई करेक्शन इस पर क्लिक करेंगे आप। या पैन कार्ड नया बनाना चाहते हैं तो यहाँ अप्लाई फॉर न्यू पैन यहाँ चूज़ करेंगे, और नीचे आएंगे अप्लाई फॉर न्यू पैन 49 है, इसको चूज़ कर लेंगे। उसके बाद इसको आप यहां से कट कर देंगे और यहां आपका पूरा फॉर्म खुल के आएगा। यहां फिजिकल मोड चूज़ कर लेंगे और नीचे आएंगे यहां से स्टेटस ऑफ अप्लीकेंट, यहां से इंडिविजुअल चूज़ कर लेंगे, हम इंडिविजुअल बनाएंगे। आप कोई कंपनी का बनाना चाहते हैं तो यहीं से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहां से नो पे टिक करेंगे और नीचे आएंगे। उसके बाद आपको यहां पैन कार्ड किस तरह चाहिए वो चूज़ कर लेंगे, मुझे फिजिकल भी चाहिए और डिजिटल भी चाहिए, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन को टिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये फॉर्म खुल के आ जाएगा, यहां से आप अपना टाइटल ले लेंगे, श्री श्रीमती या कुमारी जो भी है। यहाँ अपना लास्ट नेम या सर नेम फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ से फर्स्ट नेम फिल करेंगे। यहाँ कोई मिडल नेम है तो यहाँ फिल कर देंगे। यहाँ आपका कार्ड में किस तरह नाम छप के आएगा वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ डाल करने पर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगर आपका कोई अदर नेम है तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जेंडर ले लेंगे, यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे, यहाँ एड्रेस टाइप में रेजिडेंट चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ रेजिडेंट स्टेट पूछ रहा है आपको, स्टेट आपका जो भी है वो चूज़ कर लेंगे। मेरा बिहार है तो हम बिहार ले लेते हैं। रिप्रेजेंटेटिव स्टेट पूछ रहा है, इसको भी हम बिहार करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ अपना आधार नंबर फिल करेंगे, अगर आधार नंबर नहीं है तो यहाँ इनरोलमेंट आईडी फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ आधार के अनुसार नाम फिल करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ ला करके छोड़ेगा, आप नीचे आएंगे, यहाँ से आप आईडी प्रूफ में क्या देना चाहते हैं वो चूज़ कर लेंगे। हम आधार कार्ड देंगे तो आधार सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ एड्रेस प्रूफ में क्या देना चाहते हैं वो चूज़ कर लेंगे, हम आधार कार्ड इसमें भी चूज़ करेंगे। यहाँ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में क्या देना चाहते हैं वो चूज़ कर लेंगे, इसमें भी हम आधार कार्ड चूज़ कर लेंगे और मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ अपना सीएससी का पासवर्ड डालेंगे और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ वॉलेट पिन डालना होगा सीएससी का, हम अपना वॉलेट पिन डालेंगे और पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मेरा पेमेंट सक्सेस हो गया है, अब मुझे यहाँ से रिडायरेक्ट कर रहा है। उसके बाद आपको यहाँ ला करके छोड़ेगा, आप यहाँ से अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, यहाँ से एक ईमेल आईडी डाल देंगे और नीचे आएंगे, यहाँ पेरेंट्स डिटेल्स में आएंगे, यहाँ नो पे टिक कर देंगे। यहाँ फादर का लास्ट नेम या सर नेम फिल करेंगे, यहाँ फर्स्ट नेम फिल करेंगे, अगर कोई मिडिल नेम है तो वो यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद इसी तरह यहाँ अगर आप मदर का नेम देना चाहते हैं तो यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको इस पेज में ला करके छोड़ेगा, आप नीचे आएंगे, यहाँ से रेसिडेंटल एड्रेस पूरा फिल कर देंगे, यहाँ ऑफिस एड्रेस अपना पूरा फिल कर देंगे। अगर आपका ऑफिस एड्रेस नहीं है तो आप यहाँ जो रेसिडेंटल एड्रेस फिल करेंगे वही ऑफिस एड्रेस यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ सोर्स ऑफ इनकम पूछ रहा है, अगर कोई सैलरी पर्सन है तो यहाँ सैलरी टिक कर सकते हैं, या आप जिस तरह भी कमाते हैं वहाँ चूज़ करेंगे, अगर नहीं कमाते हैं तो यहाँ नो इनकम पे चूज़ करेंगे और यहाँ ओके कर देंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको इस पेज में ला करके छोड़ेगा, आपका यहाँ एओ कोड या एरिया टाइप जो भी है वो सारा अपने आप आ जाएगा एड्रेस के हिसाब से आपका। उसके बाद यहाँ से आपको रिप्रेजेंटेटिव का एड्रेस पूरा फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप डिक्लेरेशन देंगे, हिमसेल्फ हरसेल्फ वेरीफायर का नाम आ जाएगा, वेरीफिकेशन प्लेस डालेंगे, हम डाउनलोड दे देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको इस पेज में ला करके छोड़ेगा, आप यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ से पूरा अपना देखिए आधार कार्ड लिया हुआ, इसमें कुछ नहीं करना है। आप यहाँ फोटो एंड सिग्नेचर का फाइल का यहाँ साइज़ देख सकते हैं, ये किस तरह कौन सा साइज़ होना चाहिए। फ़ोटो स्कैनिंग 300 dpi में स्कैन करना है कलर में, और 213x213 में करना है, साइज इसका 30 kb से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सिग्नेचर स्कैन करना है 600 dpi में ब्लैक एंड वाइट, साइज इसका लेस देन 60 kb रहेगा। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका यहाँ फॉर्म जनरेट हो जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे या फिर प्रिंट कर देके हम इसको कस्टमर को दे देंगे। मेरे लैपटॉप के साथ प्रिंटर अटैच किया हुआ है तो हम यहाँ प्रिंट कर आइकन पे क्लिक करेंगे और प्रिंट करके हम दे देंगे। उसके बाद यहाँ डाउनलोड PDF फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ मेरा फॉर्म यहाँ PDF में डाउनलोड हो रहा है, इसको हम ओपन करेंगे और इसको भी प्रिंट करेंगे। यहाँ मेरा फॉर्म डाउनलोड हो चुका है, इसको हम प्रिंट करेंगे, और प्रिंट करने के बाद आप यहाँ कस्टमर का एक यहाँ फ़ोटो चिपकाएंगे, उसका यहाँ एक फ़ोटो चिपकाएंगे, यहाँ उसका सिग्नेचर करेंगे, और इसका सिग्नेचर इस तरह करेंगे कि यहाँ आपका पेपर में भी सिग्नेचर आना चाहिए और फोटो में भी सिग्नेचर जाना चाहिए, ये 13 करके सिग्नेचर करेंगे। और नीचे आएंगे, आपको यहाँ पूरा फिल किया हुआ है, और नीचे आएंगे आपको इस पेज में अगर यहाँ पे एक सिग्नेचर करना होगा,
सिग्नेचर करेंगे और स्कैन करके इसको फिर अपलोड करेंगे। चलिए पहले हम कस्टमर का सिग्नेचर करवा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे आपको दिखाएंगे। हमने यहाँ पे देखिए कलर में इसको स्कैन कर लिया है, इसका सेकंड पेज भी नीचे है और इसके साथ यहाँ नीचे आधार कार्ड भी अटैच किया हुआ है। मुझे अब इसको अपलोड करना है, तो अपलोड करने के लिए सबसे पहले इस पेज पे हम आएंगे। यहाँ CSC लॉगिन करके इस पेज में जिस तरह आपको बताए थे उसी तरह यहाँ पे आना है। यहाँ अप्लाई न्यू पिन पे आएंगे, यहाँ से अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ कस्टमर का नेम आ जाएगा, यहाँ क्रॉप एंड अपलोड इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे, जिस फोल्डर में भी रखा हुआ उसको यहाँ से चूज़ कर लेंगे और यहाँ से ओपन कर देंगे और यहाँ से अपलोड PDF फाइल पे क्लिक करके यहाँ से अपलोड करेंगे। तो ये अपलोड अभी हो रहा है, देखिए मेरा यहाँ से अपलोड हो चुका है, ये तीनों पेज यहाँ पे आ गया है। हम नीचे आएंगे, यहाँ मुझे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, तो इसके लिए हम ये फर्स्ट वाला पेज पे मेरा फ़ोटो है तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ मेरा पेज आ जाएगा। जहाँ भी जितना भी आपको फ़ोटो चाहिए उतना इसको यहाँ से एक क्रॉप करके निकाल लेंगे। जैसे कि मुझे इतना फ़ोटो चाहिए, हम यहाँ से इसको ले लेंगे और लेने के बाद नीचे आएंगे और नीचे आने के क्रॉप इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह मुझे अब सिग्नेचर चाहिए, तो सिग्नेचर हम आधार कार्ड से लेंगे, तो यहाँ आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका आधार कार्ड आ जाएगा, यहाँ पे सिग्नेचर भी आ जाएगा। यहाँ से हम इसको इतना क्रॉप कर लेंगे जितना मुझे चाहिए, और अगर ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो यहीं से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ थोड़ा इसको हम लेफ्ट ले लेंगे, मेरा मुझे इतना चाहिए इतना ले लेंगे और यहाँ क्रॉप इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ सिग्नेचर भी आ जाएगा। उसके बाद अब क्या करना है, यहाँ फ़ोटो के ऊपर इसे घींच करके उसको यहाँ पे ला करके छोड़ देना है, ये फाइल में आ जाएगा। इसी तरह आपको सिग्नेचर घींच के ला करके यहाँ छोड़ देना है, यहाँ पे भी सिग्नेचर आ जाएगा और यहाँ अपलोड पिक्चर एंड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना है। अपलोड करते ही आपको वेल डन का मैसेज मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली फॉर एप्लीकेशन नंबर इतना। अभी आपके 2 से 3 दिन के बाद आपके मेल पे भी आ जाएगा और उसके बाद 7 से 8 दिन के बाद आपका पोस्ट ऑफिस में भी आ जाएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।